इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुल बिफोर इन्वेस्टिंग नहीं निगाह में मंजिल तो जस्तजू ही सही नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही नहीं तो नही तो नही विशाल मैसर तो आरजू ही सही जय श्री राम चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ताजा तरीन ब्रांड न्यू एडिशन में आप सभी का हृदय तल से बहुत बहुत स्वागत है चार्ट ऑफ द वीक एक ऐसा मंच है जहां पूरे बाजार को खंगालकर हर सप्ताह सबसे रोचक सबसे ज्ञानप्रद चार्ट्स का संकलन मैं करता हूं जो चार्ट मुझे अच्छे लगते हैं और एक सप्ताह में जाने कितने हजार चार्ट में देख लेता हूं तो जो सबसे इंटरेस्टिंग चार्ट्स हैं उनको मार्क करके रखता हूं क्योंकि उन चार्ट पर चर्चा चार्ट ऑफ द वीक में होती है तो इस सप्ताह भी बड़े इंटरेस्टिंग चार्ट्स की हम बात करेंगे याद रखिएगा कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट या शेयर का भी मैं जिक्र करता हूं बात करता हूं उल्लेख करता हूं किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदने बेचने ट्रेड करने या होल्ड करने की राय नहीं होती है केवल जो चार्ट सीखने योग्य हो होते हैं जिनसे कुछ ना कुछ नया सीखा जा सकता है जो उस समय बाजार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी चर्चा चार्ट ऑफ द वीक में करते हैं तो इस सप्ताह भी बड़े इंटरेस्टिंग चार्ट्स आपके लिए लेकर के आया हूं लेकिन उससे पहले अपनी ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करूंगा श्री रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं हैं भारत के एक बड़े निर्माता हैं वो उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में जो योगदान दिया हजारों लोगों को रोजगार मिला और टाटा ग्रुप की कंपनीज ने जो जबरदस्त प्रदर्शन किया उनके नेतृत्व में उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है तो हृदय से एक बहुत ही इंस्पिरेशनल व्यक्ति को भाव भीनी श्रद्धांजलि हम सबकी ओर से और हाँ आज इस अवसर पर टाटा ग्रुप के शेयर्स का एक इंडेक्स है जिसके बारे में लोग कम जानते हैं यह है निफ्टी टाटा 25 कैप इंडेक्स तो इसके चार्ट को भी आइए देखते हैं और आप देखेंगे कि किस प्रकार से लगातार इस साल एक बड़ी तेजी इस इंडेक्स में आते हुए दिखी है हालांकि देखिए इस इंडेक्स का डेटा बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि इंडेक्स ये बहुत हाल में ही बना है लेकिन अगर आपको कभी भी टाटा ग्रुप टाटा समूह के शेयर्स को ट्रैक करना हो तो यह जबरदस्त इंडेक्स है जिसमें 10 टॉप टाटा कंपनीज शामिल हैं, तो यह है टाटा ग्रुप का इंडेक्स यानी कि निफ्टी टाटा 25 कैप इंडेक्स इसको देखिए और आप देखें किस प्रकार से इंडेक्स लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को

इस स्तर को निफ्टी ने बखूबी होल्ड किया और एक बुलिश हैमर पैटर्न भी चार्ट पर बना इंट्रा पीरियड में जैसा कि है अनुमान जताया था निफ्टी ने चौबीस आठ सौ के नीचे ट्रेड करना शुरू किया लेकिन अंत अंत में अंत में सप्ताह के वीकली क्लोज इस लेवल के ऊपर हुआ तो यह है ताकत लेवल्स की अगर आप चार्ट को ठीक ढंग से देखते हैं लेवल सही ढंग से मार्क करते हैं तो आपके बड़े काम आता है जैसे पिछले सप्ताह यह स्तर हमारे काम आया तो चाहे कुछ हो हम चार्ट देखना बंद नहीं करेंगे लगातार चार्ट्स देखते रहेंगे क्योंकि हमारा यह अटल विश्वास है कि यदि आप चार्ट्स नियमित देख रहे हैं और चार्ट्स देखना आपको आता है तो आने वाले हर बदलाव को आप पहले समझ जाएंगे और उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहेंगे अब देखिए पिछले सप्ताह एक और चार्ट की हम चर्चा कर रहे थे और वो है निविडिया कॉरपोरेशन का चार्ट एनवीडिया के चार्ट पर जबरदस्त मोमेंटम इस सप्ताह आते हुए दिखा बड़ा ब्रेकआउट हुआ चार्ट पर लेकिन हमने इस चार्ट की टोह पिछले सप्ताह ही चार्ट ऑफ द वीक में ली थी आपने भी मुझे पूरा यकीन है इस चार्ट को जरूर स्टडी किया होगा दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है एनविडिया जिसके चार्ट पर इस ट्रेंड को पिछले सप्ताह ही हमने आइडेंटिफाई किया और इस चार्ट की चर्चा की तो आइए देखते हैं इस सप्ताह कौन से चार्ट्स हैं जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं तो इस सप्ताह के चार्ट ऑफ वीक का आदास करते हैं आइए सबसे पहले बात करेंगे इस सप्ताह के चार्ट ऑफ वीक रनर्स इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स का खिताब मैं देने जा रहा हूं रियल एस्टेट स्टॉक वेल और के वीकली चार्ट को जी हाँ डीबी रियल कहा जाता था इसका वीकली चार्ट एक नजर देखिए जिसको इस सप्ताह में चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दे रहा हूं गौर से चार्ट को देखिए अब आप देखिए स्टॉक में एक बड़ी जबरदस्त तेजी आई और फिर उसी अनुपात में अच्छा खासा करेक्शन आया करेक्शन में एक बात जो कि सीखने योग्य है और वो है फिबोनाची का स्तर

जो कि आपके चार्ट पर सपोर्ट का काम देते हैं कई बार वही फिबोनाची स्तर भी होते हैं और ऐसे ही संगम से बड़े मूव्स को पहचाना जाता है तो वेलोर स्टेट है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक उदीक और यहां सीखने वाली बात यह है कि कैसे 50 परसेंट फिमोनाची लेवल सबसे इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल होता है तो अब आइए आगे बढ़ते हैं और इस सप्ताह के बहुत ही रोचक चार्ट ऑफ द वीक का जिक्र करते हैं जिसकी चर्चा आपने शर्तिया कम सुनी होगी इस सप्ताह चार्ट ऑफ वीक का खिताब मैं देने जा रहा हूं निफ्टी इंडिया डिजिटल तो इस सप्ताह डिजिटल इंडिया का सूचकांक यानी कि निफ्टी डिजिटल इंडिया इंडेक्स को चार्ट ऑफ वीक का खिताब दिया जा रहा है अब देखिए भारत एक ऐसा देश है जिसने बड़े पैमाने पर डिजिटल इकोनोमी को एक्सेप्ट किया है इस्तेमाल किया है आप देखिए भारत में हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन हो गया है और सब लोग बड़ी आसानी से जोमेटो पर ऑर्डर करते हुए उबर के जरिए कैब बुलाते हुए या फिर ट्रेडिंग करने के लिए भी एप्स का चार्ट देखने के लिए भी एप्स का लोग इस्तेमाल करने लगे हैं और बढ़ चढ़ करके टेक्नोलॉजी को इंप्रेस कर रहे हैं जो कि विदेशों में अभी भी देखने को नहीं मिलता कितनी आसानी से लोग यूपीआई के जरिए पैसा आदान प्रदान करते हैं ये है डिजिटल इंडिया और डिजिटल इंडिया से जुड़ी कंपनियों का कुल जो हिस्सा है मार्केट कैप में वो अभी भी बहुत कम है दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले चीन को देखें या फिर आप देखें यूएस को यूएस में टोटल मार्केट कैप का 50 परसेंट से ज्यादा डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ी कंपनियों का हिस्सा है जबकि भारत में ये जो हिस्सा है ये केवल पांच फीसदी का है यानी कि अभी भी हमारे यहाँ डिजिटल कंपनियां उतनी बड़ी नहीं हुई हैं और पुरानी ट्रेडिशनल कंपनीज का ही दबदबा है जो कि आने वाले समय में यह स्थिति बदल जाएगी तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसको हो सकता है डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ी कंपनियों को और इसका सूचकांक है निफ्टी डिजिटल इंडिया इंडेक्स जिसको इस सप्ताह में चार्ट वीक का खिताब दे रहा हूं बाइए देखिए चार्ट में खास तो लीजिए पेश है आपके सामने इस सप्ताह का बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत रोचक चार्ट उ द वीक यानी कि निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स जिसकी चर्चा आपने कम सुनी होगी ये इंडेक्स बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रहता लेकिन ये काम जबरदस्त करता है आप देख रहे हैं कि 2023 के अप्रैल में यानी कि पिछले साल ही ये इंडेक्स इक्यावन सौ के आसपास ट्रेड करता था और आज ये लगभग डबल हो चुका है पचानवे के आसपास ट्रेड कर रहा है ये इंडेक्स तो जबरदस्त मोमेंटम जबरदस्त तेजी हम इस इंडेक्स में देख चुके हैं तो देखिए निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स डिजिटल इकोनॉमी का इंडेक्स है जिसमें हम लगातार एक तेजी देख रहे हैं बड़ा ब्रेकआउट हुआ था लगभग आठ के आसपास उसके बाद तेजी फिर करेक्शन और लगातार हायर बॉटम्स की श्रृंखला चार्ट पर दिख रही है अगर यहां फिबोनाची का इस्तेमाल करके संभावित रेजिस्टेंसेस का अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं तो इस प्रकार से ये जो करेक्शन आया था 2022-23 में इसका इस्तेमाल करें तो आपके लिए ये संभावित रेजिस्टेंस के लेवल्स निकल करके आते हैं आइए गौर से देखते हैं लेवल्स को तो जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अब सामने नजर आता है ये दस का स्तर है और ये तीन सौ फीसदी का फिबोनाची स्तर है इसके बाद जो अहम स्तर है वो चार सौ तेईस दशमलव छः फीसदी का ग्यारह हज़ार छः सौ का लेवल है तो ये इंडेक्स लगातार नई ऊंचाइयां बना रहा है नई ऊंचाइयां छू रहा है तेजी में है और इस इंडेक्स के चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है तो याद रखिए कि बाजार में वही अव्वल आता है जो आने वाले समय के बड़े ट्रेंड्स को यानी कि मेगा ट्रेंड्स को पहले पहचानने का मादा रखता है और इसीलिए थोड़ा सा बाहर आउट ऑफ दी बॉक्स सोचना जरूरी है और इसी सोच के चलते आज इस इंडेक्स को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है तो इस इंडेक्स को देखिए इसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि सारे घटकों को अलग अलग समझने का प्रयास कीजिए आप देखेंगे कि हमारे यहां बहुत जबरदस्त कंपनियां हैं तो डिजिटल स्पेस में शानदार काम कर रही हैं उन तमाम चार्ट्स को स्टडी करेंगे तो आपको नए आइडियाज मिलेंगे और यही मकसद है चार्ट ऑफ वीक का कि आप बेहतर चार्ट देख पाए और चार्ट को बेहतर तरह से देख पाए तो कैसा लगा आपको इस सप्ताह का चार्ट ऑफ वीक मुझे जरूर बताइएगा अगर आपके भी मन में कोई और ऐसा कैंडिडेट है जो कि चार्ट वीक हो सकता है तो उसका नाम भी कमेंट में जरूर लिखेगा मैं उसका चार्ट जरूर देखूंगा अपना ख्याल रखिए अपनों का ख्याल रखिए चार्ट्स देखते रहिए जय हिंद जय भारत।